आपने नीच ग्रह के बारे में भी सुना होगा और उच्च ग्रह के भी बारे में सुना होगा। दोनों का फल या दोनों का प्रभाव कहीं ना कहीं बदल जाता है। आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि हमारे जीवन में वैभव, खुशियां और हर तरह की सुख समृद्धि का प्रतीक है। अगर यही ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो आपको किस तरह की परेशानियां देता है, क्या उपाय हम कर सकते हैं, किस तरह से शुक्र को अच्छा रखने के लिए हम कुछ जीवन में जतन करें या परहेज अपने जीवन में फॉलो करें, आज हम इसी जानकारी को लेकर सभी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया परेशान है, दुनिया इसी बात को लेकर परेशान रहती है कि कहीं जीवन में जो सुख समृद्धि है वो कम ना पड़ जाए, या फिर उन सुख समृद्धियों को पाने के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहता है। और ये सब सुख समृद्धि आती किस ग्रह से है, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख समृद्धि, ग्लैमर, वैभव, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे पैसा तो कमाते हैं पर उस पैसे का सुख नहीं भोगते हैं, ना ही कहीं जाना, ना ही कहीं आना, ना ही कोई पार्टी, ना ही कोई समारोह, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पूरा जीवन उनका यही कश्मकश में या फिर उधेड़बुन में लगा रहता है, बस पैसा कमाते रहो, एक मनी मेकिंग मशीन की तरह जीवन हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके जीवन में कुछ है ही नहीं, वो उन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो उनको चाहिए। पर आज जो शुक्र की व्याख्या मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस शुक्र के अनुसार समझिए। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में शुक्र है, अब शुक्र आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ उसका शुक्र है और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड उसका शुक्र है। अब शुक्र जब किसी का डिस्टर्ब होगा पहले भाव में, तो ये यहाँ पर बैठकर सूर्य और मंगल के प्रभाव में आ जाता है। अब सूर्य और मंगल का तो चलिए ठीक है, मंगल के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सूर्य क्या है? अगर शुक्र देसी घी है तो सूर्य आग है, यानी कि शुक्र कहीं भी सूर्य के आगे टिक नहीं पाता है। मंगल और शुक्र की युति या मंगल और शुक्र एक साथ हो जाएं तो एक तरह से स्टेबलाइजर, उन चीज़ों को किस तरह से नियंत्रित किया जाता है उसको हमारे जीवन में दर्शाता है। जैसे कि बिजली आ रही है, आपके घर में स्टेबलाइजर होता है, अगर बिजली कम आ रही है तो स्टेबलाइजर लगा के हम थोड़ा बिजली को, वोल्ट को बढ़ा लेते हैं। जैसे आपके घर में AC होता है, बिजली कम आ रही है तो आप स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, इसी तरह से मंगल और शुक्र आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइजर करते हैं। जैसे कि शुक्र एक स्टेबलाइजर है और मंगल वो एनर्जी है, एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है ये शुक्र का काम होता है। चलिए लाल किताब में क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में हम समझते हैं। लाल किताब में शुक्र पहले भाव के लिए कहा गया है, अगर ये शुक्र आपके लिए अच्छा है तो आपका जीवन वारे न्यारे करा देगा, आपके जीवन में सभी चीज़ें प्राप्त करा देगा। अगर ये शुक्र बुरा है तो ये जीवन में आपके धूल मिट्टी की आंधियां ही चलाता रहेगा। एक सूखी बंजर भूमि जिस तरह से गर्मी में तपती है, उस तपती हुई भूमि में किस तरह से धूल मिट्टी उड़ती है, समझिए, एक एक्सपीरियंस कीजिए। इस तरह से कहीं ना कहीं जीवन होगा, सब चीज़ नीरस होगी, केवल और केवल धूल मिट्टी का ही गुबार जीवन में होगा, यानी कि खुशियाँ नहीं होंगी। और अगर शुक्र आपका अच्छा है, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बैठा है और सूर्य आपकी कुंडली में कहीं पर अच्छे भाव में है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य बृहस्पति के साथ आ गए, सूर्य 5वें घर में आ गए, सूर्य 9वें घर में आ गए, तो सूर्य तो अपनी जगह पर अच्छे हो गए, शुक्र पहले घर में अकेले बैठे हैं, यानी कि अब वो तपिश देने वाला जो ग्रह है वो अपने साथ ही कहीं पर अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तब ऐसे केस में क्या होगा, शुक्र अच्छे वाले व्यक्ति के एक कुछ लक्षण उसके शरीर में आएंगे, उसकी नाक हमेशा पॉइंटेड होगी, उसकी नाक हमेशा सुंदर होगी, उसके होठ हमेशा सुंदर होंगे, आपको कुछ ही चीज़ें दिखाई देंगे, चेहरे की बनावट, चाहे उसका कॉम्प्लेक्शन जैसा मर्जी हो, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो यानी कि सांवला हो या काला ही चाहे क्यों ना हो, चाहे वो गोरा हो, उसके चेहरे की एक जो छब होती है, चेहरे की एक जो अट्रैक्शन होती है वो एक मोहने वाली होती है, उसकी आँखें, आईब्रोज, जो भी। और ये ग्रह स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है क्योंकि उनकी अट्रैक्शन ही उनका गहना है, पुरुषों में भी देता है पर ये पुरुषों में कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़्यादा बढ़ा देता है, जब कोई सुंदर होती है तो उसके पीछे लोग पड़ते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ रोमानी स्वभाव का हो जाता है, उसके अंदर ही कुछ ना कुछ इस तरह की प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। ऐसे लोगों से आपको ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है। हाँ, वो बात अलग है, अपने जीवन साथी के साथ अटैच रहिए, ये नहीं कि बाहर की दुनिया में आप अटैचमेंट बनाते रहें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं खराब करेगा शुक्र को। ऐसे व्यक्ति को अगर वो बंधन में बंधा हुआ है अपने जीवन साथी के साथ, शादी के
और वो कहीं पर स्त्री या पर पुरुष के चक्कर में पड़ते हैं ऐसे लोग, तो ये ही शुक्र उसका जीवन में खराबियां पैदा कर देता है। अब दूसरी तरफ शुक्र ये खराब कैसे होगा, जब मान लीजिए शुक्र के साथ सूर्य है, या फिर शुक्र के साथ पहले ही घर में बृहस्पति आ गई, या फिर सातवें घर में सूर्य है। अब ये सूर्य का कहीं ना कहीं खराब होना, जब सूर्य खराब हो जाएंगे तब ये शुक्र का जो असर है वो भी खराब हो जाएगा। अब पहले शुक्र, पहले भाव के शुक्र के व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, हर बात का जवाब भी अगर ये देते हैं तो झुंझला कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन साथी का स्वभाव ठीक नहीं रहता है, उनके शरीर की कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, यानी कि जीवन साथी बीमार ही रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए शुक्र तो ऐसे घर में बैठा हुआ है जहाँ पर सूर्य का तेज प्रताप कहीं ना कहीं शुक्र को चैन से बैठने नहीं देता है। तब ऐसे केस में उसके शुक्र यानी कि उसके धर्म पत्नी या जीवन साथी हस्बैंड को कुछ ऐसी दिक्कतें पाई जाती हैं जो कि शरीर में कहीं ना कहीं तापमान को घटाती या बढ़ाती हुई आपको नजर आती होंगी। ऐसे लोगों को स्किन की इरप्शंस हो सकती हैं, उनके जीवन साथी को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस या कुछ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो स्किन से जुड़ी होती हैं। और खुद ऐसे व्यक्ति के भी कहीं ना कहीं इस तरह से चर्म रोग या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अक्सर जाहिर होती हैं, अक्सर सामने आती हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ चलती हैं। अब चलिए हमने सूर्य की बात कर ली, अब साथ ही साथ अब मित्र कौन है यहाँ पर शुक्र के, जो कि हैं शनि। अब मान लीजिए शनि कुंडली में अच्छे हों, अच्छे कैसे हो सकते हैं, अच्छे तब होंगे मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में नौवें घर में है, दसवें घर में है, ग्यारहवें घर में है, बारहवें घर में है, ये कुछ ग्रह अच्छे ग्रह होते हैं, या फिर सातवें ग्रह घर में है तो ये उच्च ग्रह की कंडीशन हो गई शनि के। अब ऐसे केस में शनि शुक्र को ऐसी मदद पहुंचाएंगे जो कि कई लोगों को आपने देखा होगा शादी से पहले ही एक अच्छी नौकरी में सेट हो जाते हैं, शादी से पहले ही या फिर कोई कमाई के जरिए खुल जाते हैं ऐसे, और बहुत अर्ली एज में ऐसा कुछ हो जाता है, बहुत जल्दी ही ऐसा हो जाता है, तब ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का एक आपस में संबंध अच्छा है। ये संबंध अच्छा ही आपको अच्छा बनाता है, पर व्यक्ति यहीं पर गलती कर बैठता है, जैसे कुछ अच्छा मिलना शुरू होता है, पहले तो वो शराब नशाखोरी ये सब चीज़ें नहीं करता था, पर जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ उसकी समझ लीजिए उसके कदम डगमगा जाते हैं और वो गलत राह पर चल पड़ता है, यही सबसे बड़ी भूल होती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, मान लीजिए जीवन में परेशानियां भी इस तरह की आ रही हैं और आपने अपने कपड़े भी ऐसे पहने हैं जिनकी लश्चर खत्म हो गई है, गफ खत्म हो गई है, प्रेस नहीं है, कहीं से फटे हैं, कहीं से उधड़े हैं, कहीं से धागा निकला है, कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसे कपड़े अगर आप पहन के रखोगे तो जीवन भर ये शुक्र आपका कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए अपने पोशाक, अपने कपड़ों पर ध्यान रखें, अच्छे कपड़े पहने, परफ्यूम डियो सेंट यूज़ करें और इनका गिफ्ट भी करें। अगर आप महिला हैं तो आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत जरूर रखने चाहिए, ये उपाय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत जरूर रखें। व्रत तो देखिए हर एक को करना चाहिए, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, शरीर में एक अलग ऊर्जा आपके आती है। अब ऐसे केस में शनि के नीच होने के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं परेशानियों से देखिए जीवन में अच्छे भी फल आ रहे हैं तो बुरे भी फल आ रहे हैं। अगर अच्छे फल आ रहे हैं तो उनको मेंटेन करना जरूरी है, बुरे फल आ रहे हैं तो उनको हटाने की जरूरत है। बुरा फल इसमें एक और है कि विवाह होते ही कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हैं या फिर सातवें घर में आपके राहु आ गए हैं, तब ऐसे केस में ये वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट करते हैं। परेशानी तो ऐसे केस में क्या करना है, शादी हो गई है तब भी, नहीं हुई है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि शादी होने पर चांदी के दो टुकड़े, जैसे ईंटा होती है या फोटो में देखिए चांदी के दो टुकड़े जो कि ईंट होती है, ऐसी ईंटें एक एक 10-10 ग्राम की लड़का लड़की के हाथ में आशीर्वाद स्वरूप रख दीजिएगा। लड़का लड़की अपने साथ ये जीवन भर संभाल के रखें अपने अलमारी या सेफ में अपने गहनों के साथ, तो कभी भी राहु शरारत नहीं करेगा। ऐसे शुक्र पहले भाव के केस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक शारीरिक दुर्बलता का एहसास होता है, उसकी एनर्जी उसका साथ नहीं देती है, सही समय पर वो अपने आप को एक लो एनर्जी फील करता है, आलस्य कहीं ना कहीं आता है। दही से स्नान, अपने शरीर पर दही को उपटन की तरह लगा के, उस दिन साबुन ना लगाएं, दही को उपटन की तरह लगा के अपने शरीर को इस तरह से धोएं, नहा लें, ताकि एक शुक्र आपका मजबूत होना शुरू हो। हिदायत और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ऐसे व्यक्ति को पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि शादी
25वें वर्ष में ना करे। 25वां वर्ष क्रॉस हो जाए तो बहुत बढ़िया, उसके लिए सही रहेगा। और अगर करना ही चाहता है तो 26, 27, 28 ये एक अर्ली टाइम होता है। वैसे तो आजकल 28 के बाद ही होती है, तो वो आपके लिए तो सबसे उत्तम है, पर परिस्थितियां कई बार ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर हो तो इस तरह का ध्यान रखें, और शादी हो तो इस तरह से चांदी की ईंटें ले लें, दही से स्नान करते रहें, पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर में ना पड़े, माता लक्ष्मी का व्रत करें। जितना आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाओगे, उतना शुक्र के अच्छे फल अपने जीवन में पाओगे। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करें सुख सौंदर्य की चीज़ें, अच्छी ड्रेसअप की चीज़ें। एक दूसरे को आप हीरा भी गिफ्ट कर सकते हो, अगर हीरा आपको लगता है बजट के बाहर है तो इस तरह से जो हीरे का एक रूप होता है, इंटीमेशन होता है, हीरे का एक इंटीमेटेड जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे मोजोनाइट कहा जाता है, इस तरह से एक दूसरे को गिफ्ट करें मोजोनाइट और पहने। एक दूसरे को जरूरी नहीं कि मोजोनाइट ही, बाकी चीज़ों का भी साथ करें, जैसे परफ्यूम हो गया, कुछ शरीर पर पहनने की चीज़ें होंगी, कुछ स्टाइल की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को देते रहें। देखिए किस तरह से आपको अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और शुक्र पहले वाले के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह होती है कि कई बार ऐसे लोग हड़बड़ी में काम करते हैं, कुछ ऐसे काम हड़बड़ी में कि किसी से सलाह नहीं ली, काम करना शुरू कर दिया। अगर काम ऐसे करोगे तो आपका काम खराब होगा, और सलाह लेना ज़रूरी है किसी की भी, जो भी आपका वेलविशर है। पत्नी से तो सलाह लोगे नहीं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े रहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको लगे कि हाँ इस लाइन में है और इस लाइन की सलाह आपको दे सकता है, तो इस तरह से सलाह लें, फिर बाद में अपनी पत्नी से भी डिस्कस करें। ये नहीं कि हाँ चुपचाप काम करें, पहले सलाह ले लें कि हाँ उन्हें बताएं कि वो इस लाइन में है, इस तरह से कन्विंस करना सीखिए, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी दीजिए कि हाँ आप उससे बातें छुपाते नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़रूरी है, शुक्र को अच्छा करता है। शुक्र पहले भाव में जिसकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहा है, उसको बुध की मदद देनी होती है, बुध को अच्छा करना होता है, ताकि बुध क्योंकि शुक्र का मित्र है, वो अच्छी तरह से शुक्र को मदद पहुंचा देता है। ऐसे केस में आपने पक्षियों को 7 अनाज मिलाकर देने हैं। 7 अनाज में छोटे छोटे अनाज ले लीजिए, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, इस वीडियो को आपको लिंक भी मैं दे दूंगा, नहीं तो आप टाइप करेंगे सतनाजा, मेरा नाम साथ में डालेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये वीडियो देखिए किस तरह से मैंने लाइव बताया है किस तरह से सतनाजा बनाना, और वो सतनाजा बनाना जो आपके एक्चुअल ग्रहों पर काम करेगा, आपकी जो परेशानियां उनको दूर करेगा। ये सतनाजा पक्षियों को देते रहें, जितना दोगे उतना आपको जीवन में अच्छे फल प्राप्त होंगे। और ऐसे व्यक्तियों को जिनका शुक्र नीच है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें परेशानी ना आए या आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी गरीब कन्या का कन्यादान जरूर कर देना चाहिए। करोगे उसी दिन से आपको पहले दिन से ही अपने जीवन में एक अच्छा फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए, देखिए किस तरह से परेशानियां दूर होंगी। लाल किताब तो है ही लाइफस्टाइल की किताब, और उस लाइफस्टाइल को सुधारिए, गलत व्यसनों गलत आदतों में मत पड़िए। जितना शरीर को ध्यान से रखकर चल लोगे, जितना अपनी आवृत्तियों, जितना अपनी इच्छाओं, जितना अपनी एक डेली लाइफ में एक बैलेंस बना लोगे, उतना जीवन में अच्छे आप सुख भोग पाओगे। परेशानी सबके जीवन में होती है, बस उन परेशानियों को टैकल करना, उन परेशानियों से कैसे जीतना आना चाहिए, वो जीतने की शक्ति आपको ग्रह प्रदान करते हैं। और उन्हीं परेशानियों से आप निकल भी आओगे, जीवन में सुख भी पाओगे। यानी कि एक जीवन शतरंज के खेल की तरह है, जितना दिमाग तेज होगा, जितना दिमाग अच्छा होगा, उतना आप अच्छा खेल बाजी जीत सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, इसी तरह से किसी और ग्रह की व्याख्या को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।